हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में। आज का वीडियो मध्य प्रदेश से संबंधित है। हमारे पास कई दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर MP से रिलेटेड वीडियो बनाएं, तो यह वीडियो मध्य प्रदेश यानी MP से रिलेटेड है और इसमें डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट सहित नॉन टीचिंग के एक अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि यह वैकेंसी किस टाइप का है, तो रेगुलर बेसिस, डेपुटेशन बेसिस पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तीनों तरह का पद हैं। कुछ पद हैं रेगुलर बेसिस पे, कुछ पद हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे और कुछ पद हैं डेपुटेशन बेसिस पे। तो आपको देख लेना है कि कौन सा पद सरकारी नौकरी के लिए है और कौन सा पद संविदा के आधार पर है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके लिए मैं डेली सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ और आपको लगता है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल कर रहा है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम बात करें इसमें जो पद हैं इन पद से रिलेटेड, तो यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का नेम, यहाँ पे पे लेवल, यहाँ पे ग्रुप दिया गया है जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद हैं। इसमें पद की बात करें तो डिप्टी लाइब्रेरियन और डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए एक एक पद हैं ग्रुप ए में और पे लेवल L12 के अनुसार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल में, सिविल या इलेक्ट्रिकल में पे लेवल 11 के अनुसार ग्रुप ए में एक पद है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पे लेवल 10 के अनुसार ग्रुप ए में और स्पोर्ट ऑफिसर के लिए और मेडिकल ऑफिसर के लिए सभी पद, जो अभी तीन पद बताया हूँ, ग्रुप ए में हैं पे लेवल L10 के अनुसार और सभी में एक एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए L7 के अनुसार ग्रुप बी में और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रुप बी में, काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी में, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए ग्रुप बी में और जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट के लिए ग्रुप बी में आवेदन आमंत्रित हैं। जितना भी नाम लिया हूं सब में एक एक पद हैं। अब स्टार्टिंग का जो पद हैं, जैसे सीनियर सुपरिटेंडेंट, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर और काउंसलिंग सुपरिंटेंडेंट का जो है पे लेवल 7 के अनुसार हैं और रिमेनिंग जूनियर इंजीनियर सिविल और लाइब्रेरी सुपरिंटेंडेंट के लिए पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगी। अब हम बात करें ग्रुप सी में कौन कौन से पद हैं, तो ग्रुप सी में जो पहला पद है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 5 के अनुसार एक पद है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए L4 के अनुसार ग्रुप सी में एक पद है, जूनियर असिस्टेंट के लिए L3 के अनुसार ग्रुप सी में 7 पद हैं और लैब असिस्टेंट के अनुसार ग्रुप 3 में यानी पे लेवल 3 में ग्रुप सी में जो है 6 पद हैं और अटेंडेंट के लिए ग्रुप 1 में यानी पे लेवल 1 में ग्रुप सी में 5 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से टोटल पद हुआ 31 यानी 31 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब फुल एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट रूल्स वेबसाइट पर दी गई है कि किस आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है और किस पद के लिए कौन सा रूल्स हैं, यह डिटेल जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, वेबसाइट से, और आप कमेंट करेंगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूँगा। अब हम बात करें इसके लिए जो रूल्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस के, जो रूल्स हैं पार्ट ए पार्ट बी करके दिया है जो वेबसाइट पे अपलोड है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आज से ही शुरू है और आज ही नोटिफिकेशन आया है और आज ही मैं आपको वीडियो यह बना रहा हूँ। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 11/11/2024 यानी 11 नवंबर 2024 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत फिजिकल फॉर्म में आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है और 18 नवंबर 2024 शाम को 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। जो यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए जो डिटरमाइंड एज हैं यानी जो एज लिमिट हैं, क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, सभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक ही काउंट करना है। अब हम आते हैं धीरे धीरे नीचे क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी बताते हुए, तो हम बताएँगे क्वालिफिकेशन। तो डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो पद हैं जनरल कैटेगरी में हैं, एज लिमिट है 50 साल, क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 55% अंक मांगा हुआ है और पॉइंट स्केल यानी इक्विलेंट ग्रेड इन ए पॉइंट स्केल, एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 के अनुसार और ग्रेड पे 5400 लेवल का एक्सपीरियंस 5 साल का होनी चाहिए। डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए जो है एज लिमिट सेम है, क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक के साथ में PhD होनी चाहिए और 8 साल का असिस्टेंट लाइब्रेरियन पे लेवल 10 के अनुसार एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और कम से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस पे लेवल 11 के अनुसार है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल या इलेक्ट्रिकल के लिए अभी तक जो पद हैं सब जनरल कैटेगरी में हैं। एज लिमिट है 50 साल। क्वालिफिकेशन है फर्स्ट डिवीजन बैचलर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हैं और एक्सपीरियंस में 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पद है EWS कैटेगरी में है। L10 के अनुसार एज लिमिट है 40 साल और एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस पे लेवल 7 के अनुसार या 7 ईयर का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 के अनुसार और एक्सपीरियंस जो लेवल होना चाहिए सुपरिटेंडेंट या सेक्शन ऑफिसर या प्राइवेट सेक्रेटरी या इक्विलेंट लेवल का होनी चाहिए। स्पोर्ट ऑफिसर के लिए जनरल कैटेगरी में एक पद है। क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट हैं और क्वालिफिकेशन में नेट सेट PhD में से कोई एक होना कंपलसरी है और भी ज़्यादा फिटनेस से रिलेटेड डिटेल जानकारी दिया है जो आप डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस दिया जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है इसमें MBBS डिग्री मांगा हुआ है और जो भी डिग्री है रजिस्टर्ड संस्था से होना चाहिए जो संस्था ये क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करती है। या MD हैं आपके पास मेडिसिन में या कार्डियोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और इसके बाद जो है एक्सपीरियंस से रिलेटेड और भी डिटेल जानकारी दी है जो आपको डिटेल जानकारी चेक कर लेना है। सीनियर सुपरिटेंडेंट के लिए जो है OBC कैटेगरी में एक पद है। एज लिमिट है 38 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री एनी डिसिप्लिन 50% अंक मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस में 5 ईयर का एक्सपीरियंस पे लेवल 6 या इसके ऊपर लेवल का होनी चाहिए जैसे जूनियर सुपरिटेंडेंट या इक्विलेंट लेवल का एक्सपीरियंस विभिन्न विषय में दिया है इसमें होना चाहिए। विभिन्न विषय में से किसी एक में है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं जैसे इंटरनल ऑडिट फाइनेंस एंड अकाउंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रांट मैनेजमेंट स्टोर एंड परचेस इस तरह से विभिन्न जानकारी दी गई है। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के लिए जनरल कैटेगरी में एक पद है और एज लिमिट है 38 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट हैं में कम से फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और इसके अलावा डिप्लोमा कोचिंग NIS से रिलेटेड भी डिटेल जानकारी होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में UGC से के रेगुलेशन जो है उसके अकॉर्डिंग आपका फिटनेस और जो गाइडलाइंस हैं सब होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस किस लेवल का होना चाहिए इसके बारे में भी डिटेल जानकारी दिया है जो रेपुटेड संस्था से एक्सपीरियंस होने चाहिए। काउंसलिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जनरल कैटेगरी में एक पद है। एज लिमिट है 40 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री 50% अंक साइकोलॉजी में या क्लिनिकल या काउंसलिंग से रिलेटेड या सोशल वर्क या मेडिकल एंड साइकेरिस्ट से रिलेटेड होनी चाहिए और एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो क्वालिफिकेशन है एज लिमिट है 35 साल और बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है और 5 साल का एक्सपीरियंस है सिविल वर्क से रिलेटेड तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में है और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट पद के लिए जो है एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन में मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 55% अंक होना चाहिए। यदि ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी किस लेवल का तो फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट या लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्किंग इन सेंट्रल या स्टेट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल का होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो है एक पद है EWS कैटेगरी में। एज लिमिट है 33 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन साइंस या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग फील्ड में होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसके अलावा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट है 33 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ में होना चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। 4 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रहा है और जूनियर असिस्टेंट पद के लिए जो 5 पद हैं इसके लिए एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री 50% अंक के साथ में MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का संबंधित फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 30 साल और क्वालिफिकेशन में BSc फिजिक्स केमिस्ट्री या अर्थ साइंस या अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस या बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड 50% अंक के साथ में हैं और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट के लिए एज लिमिट है 32 साल और 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट मांगा हुआ है या 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास है तो
तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में जो है 3 ईयर का संबंधित फील्ड में लेबोरेटरी या अकेडमिक या रिसर्च एस्टेब्लिश से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब यहाँ पर जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि आपको बता दिया हूँ। एज लिमिट में जो छूट है वो गवर्नमेंट का रूल्स का अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स का अकॉर्डिंग अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा जो और जो डिटेल जानकारी हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अदर जो डिटेल जानकारी है वो 100% क्लियर होना चाहिए। और अब हम बताने वाले हैं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन मेथोलॉजी की बात करें, इसमें शॉर्टलिस्ट पहला है, शॉर्टलिस्ट लेवल 1 में ऑल दी पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो भी आप अप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके आधार पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट या रिटन टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट जो है लेवल 2 में आएगा, यानी रिटन टेस्ट और ये सब टेस्ट होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस मेथोलॉजी में बहुत सारी डिटेल जानकारी स्टेज 1 स्टेज 2 करके दी गई है। और यहाँ पे आते हैं तो स्क्रीनिंग टेस्ट से रिलेटेड आपका सिलेबस मिल जाता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो सिलेबस हैं। तो इस तरह से यह पूरा सिलेबस दिया है, तो ये सिलेबस आप देख सकते हैं, जिसके बारे में मैं डिटेल जानकारी अभी नहीं बता रहा हूँ। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी सभी पद के लिए सिलेबस दिया गया है। पेपर का पैटर्न डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों टाइप का रहेगा। तो इस तरह से यह डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। एक बड़ी वैकेंसी है, सिलेबस जिस तरह से दिया गया है इसके लेवल के हिसाब से। अब हम बात करें जो आपके लिए ज़रूरी है कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है। तो भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान